अधिक क्या हो जाएगा आपका समय लगेगा। फिर है भ्रमण निष्कर्ष की आशंका। क्या भ्रमण मतलब आप भ्रमित हो जाओगे? तो इस प्रणाली के अनुसार यह प्रणाली पूर्णतः पालन किया जाता है। इसमें कैसी होती है, ये नियमों के पालन होने पर छोटी सी भूल भ्रमक निष्कर्ष की आशंका उत्पन्न कर देती है। मतलब ये भ्रमक इसमें छोटी सी चूक, मतलब आपकी छोटी अगर छोटी सी चूक भी दोहरा लेखा प्रणाली के दोष में आएगा बेटा। इस प्रणाली में इस प्रणाली के अनुसार इसमें पूर्णतः पालन किया जाने क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। इस प्रणाली में भ्रमक मतलब भ्रम पैदा करना है ना, इस नियम में इसमें छोटी छोटी सी मतलब अगर छोटी छोटी सी भूल हो जाए तो क्या होगा, इसके इसमें आशंकाएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। छोटी छोटी भूल होने पर छोटी छोटी जो भूल हो जाती है तो इसमें क्या करती है, भ्रम की आशंका उत्पन्न कर देती है। क्या करती है, मतलब कोई भी आप लेखा लिखोगे थोड़ी सी भूल थोड़ी सी चूक हो जाए तो इसमें आपको भ्रम की आशंका उत्पन्न करें। फिर उसके बाद है बेटा त्रुटि का पता लगाना कठिन। मतलब इस प्रणाली में आपका त्रुटि का पता लगाना क्या होता है, कठिन होता है। इस प्रणाली में लेखा करते समय यदि कोई छोटी सी मतलब कोई भी त्रुटि हो जाती है तो इसका ज्ञान सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें मतलब छोटी कोई भी त्रुटि या गलती होने पर इसका पता लगाना क्या होता है, कठिन होता है। तो इसको आप क्या करोगे बेटा, इस लेखे में कोई भी त्रुटि का पता लगाना कठिन है। जैसे व्यापार में ना लिख जाना, मतलब अपन कोई भी लेखा बना रहे हैं तो व्यापार मतलब व्यापार को ना लिखा जाना, गलत लेखा लिखना, इस टाइप से आपका लेखा करना और पूंजी के आगम को भेद में आदि की त्रुटि हो जाती है। तब जो पूरी लेखा करते हैं अपन मतलब खाते में लेखा जो करते हैं वो आप क्या हो जाता है, थोड़ा गलत भी हो सकता है। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत है बेटा, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। अभी आपने क्या पढ़ा, आपने गुण पढ़े दोष पढ़े, उसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत। ये सिद्धांत कैसा है, दो पक्षों का प्रभाव। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष मतलब दो पक्ष होते हैं। आप दोहरा का मतलब बेटा दो पक्षों के बीच में व्यापार या सौदा। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत में प्रत्येक सौदे के दो पक्ष क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिसमें एक पक्ष त्याग करने वाला और दूसरा पक्ष प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, इसकी बात है बेटा। दूसरा है दो पक्षों का प्रभाव। मतलब दो पक्ष होते हैं, इसके प्रभाव कैसे होंगे। दोहरा लेखा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है दो पक्षों का, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली का महत्वपूर्ण प्रभाव सिद्धांत। सौदे में क्या करता है, प्रभावित खातों में मतलब पड़ने वाला प्रभाव, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, फिर है वित्तीय पक्षों का प्रभाव। तो दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्ष, मतलब आपने मान लो जो ये सिद्धांत है बेटा में दो पक्ष होंगे, एक नियमानुसार एक खाते होंगे। खाते में क्या होगा बेटा, डेबिट और क्रेडिट। आपको बताया इस खाते में दो प्रकार के प्रभाव होंगे। दोहरा लेखा प्रणाली में दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है सौदे से प्रभावित दो खातों, मतलब डेबिट और क्रेडिट। ये दो खाते मतलब इसमें आपको प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तब आप डेबिट और क्रेडिट दो प्रकार से एंट्री करोगे। जैसे मान लो बेटा उदाहरण होता है बेटा विपरीत
तथ्यों का प्रभाव, मतलब दोहरा लेखा पढ़ाने का तीसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे में प्रभावित दो अलग अलग खाते होते हैं, मतलब दो अलग अलग खातों में पड़ने वाला प्रभाव विपरीत प्रभाव होता है, मतलब दोनों खातों में एक साथ रकम की प्रविष्टि की जाती है, किंतु प्रविष्टि एक खाते से डेबिट और दूसरे खाते से क्रेडिट खाते में की जाती है। आपने मैंने इसका दूसरे वाले को उदाहरण है बेटा, ये उन्होंने 1000 रुपए का माल उधार लिया, तो जिसने माल लिया उसका माल तो बढ़ गया, लेकिन उसके माल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और दूसरी ओर हमारा माल घट गया, मतलब आपने माल बेचा तो आपका माल क्या हो गया, घट गया। इसी तरह माल क्रय करने पर माल में वृद्धि, किंतु मतलब दूसरी ओर आप, मतलब आपने माल खरीदा, मैंने आपको माल बेच दिया तो आपके पास तो माल बढ़ गया, लेकिन दूसरी ओर आपकी जो रोकड़ है ना, उसकी क्या होगी, रोकड़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फिर तीसरा बेटा विपरीत प्रभाव, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली में तीसरा सिद्धांत होता है विपरीत प्रभाव। प्रत्येक सौदे में प्रभावित कैसे के अलग अलग प्रभाव होते हैं, ठीक है ना बेटा, दोनों खातों में एक समान रकम की प्रविष्टि होती है, तो प्रविष्टि में एक खाते में डेबिट मतलब नामे और दूसरे खाते में क्रेडिट में जमा की जाती है। दोहरा लेखा प्रणाली का आप क्या देख रहे हो बेटा, तीसरा सिद्धांत देख रहे हो, और इसमें अलग अलग खाते में अलग अलग प्रविष्टि की जाती है, मतलब डेबिट और क्रेडिट। अब उसके बाद है बेटा चौथा, दो खातों को एक साथ लेखा होना, दो खातों का एक साथ लेखा होना। तो दोहरा लेखा प्रणाली, इस प्रणाली में महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है, ये चौथा सिद्धांत है इसका, दोहरा लेखा प्रणाली का ये चौथा सिद्धांत है आपका, कि आप क्या करोगे बेटा, दो खातों के एक साथ एक साथ लेखा होना, सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, चौथा सिद्धांत है। इसमें सौदे प्रभावित दोनों खातों में एक समय में एक साथ किया जाता है, मतलब इस खाते में सौदा, जो सौदा होता है वो एक समय में, सौदा एक समय में एक साथ किया जाता है। इसके बाद है बेटा उपयुक्त सिद्धांतों के आधार, आप जो आपने सिद्धांत देखे, इसमें प्रत्येक सौदे का एक व्यापारी पुस्तक दो खातों के विपरीत प्रभाव में मतलब प्रभावित होते हैं। इसमें एक खाते को सौदे की रकम को डेबिट और दूसरे खाते की रकम को क्रेडिट किया जाता है, और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रत्येक नाम एक जमा और दूसरा एक जमा होना आवश्यक है, और दोहरा लेखा प्रणाली में यह सिद्धांत कैसे है।
इसके बाद आपने ये क्या पढ़े, दोहरा लेखा प्रणाली के क्या पढ़े बेटा, सिद्धांत पढ़े। अब आप पढ़ोगे दोहरा लेखा प्रणाली के जी। दोहरा दोहरा लेखा प्रणाली अभी आपने सिद्धांत पढ़े, अपन परिणाम के लिए क्या बनेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली करोगे। तो ये होता है बेटा दोहरा लेखा प्रणाली। व्यापारिक व्यवहार में लेखा तीन चरणों में किया जाता है, मतलब जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसे व्यवहारिक व्यवहारों में, मतलब व्यापारिक व्यवहारों में लेखा प्रणाली है उसमें व्यापार, मतलब व्यापार व्यावहारिक लेखांकन, तो ये जो लेखा है वो तो कैसा किया जाएगा, व्यापारिक पत्र व्यापार निम्नलिखित तीन चरण लेखांकन, इसका तीन चरण में होगा, तीन चरण है, तीन चरणों में किया जाता है। प्रारंभिक लेखा कौन सा होगा बेटा, प्रारंभिक लेखा, तो ये हो गया बेटा पहला प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखे में आप सबसे पहले इसमें बाहियों को क्या करोगे, दर्ज करोगे, और प्रारंभिक लेखों की बाहियों से क्या कहते हैं, प्रारंभिक लेखों की बाहियां कहते हैं। तो इसमें व्यापारिक सौदों में व्यापारिक जो सौदे होते हैं उसमें आप क्या करोगे, बाहियों को दर्ज करो। बाहियों को दर्ज करोगे और उसके अंतर्गत आप उसमें सर्वप्रथम रोजनामा या जनरल या सहायक बाहियों को तिथिवार लिखोगे और प्रारंभिक लेखों की बाहियों के आधार पर बही खाता, मतलब जो प्रारंभिक लेख है उसके आधार पर आप खाता बही तैयार करोगे। जो प्रारंभिक लेखे होते हैं प्रारंभिक लेखों के आधार पर वर्गीकरण का खाता बही, मतलब दूसरा हो गया है इसका, पहला हो गया बेटा प्रारंभिक लेखा, तीसरा दूसरा होगा बेटा वर्गीकरण या खाता बही, तो
प्रारंभिक लेखों और बाह्य नियमों को क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है और प्रत्येक व्यवहारों को छांट कर एक स्थान पर अपन लिखते हैं। फिर उसके बाद बेटा इसमें विशेष जानकारी की सरलता से क्या मतलब इसकी कोई भी जानकारी आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। वर्गीकरण और वही खाता में जब आपको सब लेख में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और प्रारंभिक लेखों की वाणियों को किसी एक खाता विशेष में सरलता से क्या करेंगे इसका वर्णन करेंगे। फिर प्रारंभिक लेखों की वर्ग मतलब वाणियों के खाते में विभिन्न तिथियों में बिखरे हुए होते हैं उसे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार फिर क्या करेंगे इसको विभिन्न प्रकार से लिखने के लिए पृथक पृथक खाता वही अपन रखी जाएगी। ये इसकी शेष क्रिया को खर्चीली भी कहते हैं और खाता वही में एक व्यापारी किसी वर्ग को संपूर्ण मतलब जानकारी तत्काल क्या कर सकता है, उपलब्ध करा सकता है। फिर सारांश व अंतिम खाता सारांश और अंतिम खाता। तो दोहरा लेखा प्रणाली के चरण में ये हो गया आपका अंतिम चरण। इस चरण में आप व्यवहारिक व्यवहार जो व्यापारिक व्यवहार होते हैं उसके परिणाम में जो खाता वही होते हैं उसे संपूर्ण मतलब जो आपकी पूरी संपूर्ण खातों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है और एक प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। सारांश के से जो जो सारांश होता होता है ना बेटा उसको क्या कहते हैं, अंतिम खाते कहते हैं। और उसके बाद है बेटा और इसमें क्या बनेगा एक आपका एक चिट्ठा भी बनेगा, ठीक है, चिट्ठा भी बनेगा बेटा और व्यापारिक खाता ना? इसका मतलब आपका जो सारांश है अंतिम है इसमें आप इतनी चीज मतलब इतने खाते तैयार कर सकते हो और माल खाता माल क्रय किया माल विक्रय किया इसकी जानकारी और इसमें चिट्ठा व्यापार चिट्ठा आर्थिक स्थिति की जानकारी चिट्ठे में व्यापार के दायित्व और संपत्तियों को भी दर्शा सकते हो आप में चिट्ठा व्यापार लाभ हानि खाता संपत्ति खाता आर्थिक स्थिति की जानकारी आप पूरी संपूर्ण आर्थिक आर्थिक स्थिति की क्या जानकारी जानकारी चिट्ठे और व्यापार के दायित्व भी संपत्तियों को भी दर्शा सकते हैं।